मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया। ये अगरबत्ती मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए फूल से बनाई गई है। इसे केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सी मैप भारत सरकार लखनऊ व महायोगी गुरु गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर के साथ श्री गोरखनाथ मंदिर के सहयोग से मूर्त रूप दिया गया। लोकार्पण समारोह के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आशीर्वाद अगरबत्ती भगवान के चरणों में अर्पित किए गए मंदिरों के फूलों, शादी में सजावट तथा विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजन में उपयोग किए गए फूलों को सुखाकर उससे बनाया गया है। इससे कि फूल की उपयोगिता बरकरार रहेगी और उसका सदुपयोग अगरबत्ती बनाकर किया जाएगा। अगरबत्ती निर्माण से समूह की महिलाओं को रोजगार मिला है और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इस संबंध में अगरबत्ती की प्रशिक्षक ने बताया कि आशीर्वाद अगरबत्ती में बांस की जगह पहाड़ी क्षेत्र की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गुरु गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सी मैप द्वारा गोरखनाथ मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में निर्मित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर सुलभ हो रहे हैं और आर्थिक मजबूती भी मिल रही है। इसके लिए सभी महिलाएं मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अगरबत्ती की प्रशिक्षक अगरबत्ती बनाने वाली महिलाओं ने कहा, एक बार है महाराज जी का मन प्रांगण में हो चुका है, जो कि सूखे हुए फूलों को पीस कर, फूल सुखा कर उसको पीस कर और इस तरह से इस पाउडर का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। सूखे फूल का पाउडर और अन्य ऐसे पाउडरों का मिश्रण करके इस तरह का जो है अगरबत्ती, जो अपने आप में विशिष्ट पहचान लिए हुए है, विशिष्ट महत्ता लिए हुए है, क्योंकि एक तरफ और इसके याद बाद चुकी समय अगरबत्ती का जायजा लिया जा रहा है, जो खाए को सीख चुकी हैं उनके द्वारा अगरबत्ती बनाने की विधि को महाराज जी भली भांति परखते हुए, उनके हुनर को देखते हुए और निश्चित तौर पे इस हुनर को देख के हम महाराज जी को ये आश्वस्त कर पाएंगे कि ये महिलाएं जहाँ पे एक तरफ अपशिष्ट पदार्थों को यूज में लेके अगरबत्ती बनाने का काम करेंगी, वहीं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने का मौका भी इस कौशल विकास से होने जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं महाराज जी द्वारा भली भांति इस कौशल को परखा जा रहा है, जाना जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा ही विशिष्ट समय है और इसके बाद सीधे दीप प्रज्वलन का कार्य परम पूज्य महाराज जी के हाथों से होना है। पर गोरखनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री के हाथों दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ किया जाए। सामने पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का, देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे, हारेगी हर बार अधियारे की घोर कालिमा, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा, दीप ही ज्योति का प्रा अर्थ वरना व्यर्थ है, आशीषों की मधुर छाना हमारी ले लीजिए, झिलमिल रोशनी में निवेदित अविरल शुभकामना, आस्था के आलोक इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारे गोरखनाथ सेवा संस्थान के मुखिया और गोरखनाथ मंदिर के मुखिया हमारे परम पूज श्रद्धे महाराज जी हम सबके बीच आ चुके हैं।
और इस तरह से आज के इस कार्यक्रम का हम श्री गणेश करते हैं। जो आदामा के घर श्री कृष्ण है पधारे, ऐसे हमारे परम पूज्य महाराज जी जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे बीच अवतरित हुए हैं और जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे रक्त धमनियों में रक्त का संचार तीव्र गति से होने लगता है, और यही ये ऊर्जा है, यही वो सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए निरंतर अग्रसारित करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चूँकि समय का अभाव है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी अतिथि देव भव की परंपरा है, अतिथि हमारे लिए भगवान का रूप में उपहार को भेंट करते हैं जो हमारे लोकल लेवल पे हमारे उत्पादों की। मैं पुनः प्रोफेसर साहब से आग्रह करता हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, इनको उपहार स्वरूप भेंट कर उनका सप्रेम भेंट करें। प्रोफेसर का जो आगे का प्लान है, जो योजना है, उसके अनुरूप ये भिन्न प्रकार के हर्बल उत्पाद, हर्बल और सुगंधित अलग अलग वैरायटी के तेल और उसके साथ ही साथ रुद्राक्ष का वृक्ष भेंट कर सप्रेम भेंट अतिथि सम्मान का गौरव प्रदान करें। डॉक्टर सुबोध कुमार त्रिवेदी, ये सीमेंट द्वारा उत्पादित और आरोग्य वाटिका के दृष्टिकोण परम पूज्य महाराज जी को रुद्राक्ष का वृक्ष भेंट करते हुए, और ये वृक्ष आरोग्य वाटिका जो डेवलप होनी है उसमें इसका जो है उन्नत जो प्रजातियां हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की वो डेवलप की हैं, और उससे भारत वर्ष को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी जो कोशिश रही है उसमें हम लोगों ने काम किया है। एक जो सक्सेस स्टोरी है मैं बताना चाहूँगा कि जो अगर 1970s में देखें तो भारतवर्ष में मेंथा का बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती थी। सीमैप ने जो कुछ वैरायटीज़ डेवलप की मेंथा की, आज हम उससे न केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं, भारत अपने द्वारा बनाए हुए इस उत्पाद को दूसरे देशों में भेजता है। भारत जो कि उस समय बिल्कुल भी नहीं बनाता था, आज विश्व का नंबर एक है, विश्व का सबसे नंबर एक जो एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है, और ये केवल इसीलिए हुआ क्योंकि सीमैप ने जो वैरायटीज डेवलप की उसके कारण से पैदावार बढ़ी, और हमारे जो फार्मर्स के साथ किसान भाइयों के साथ मिलके उनको तकनीकी दी, उससे भारतवर्ष उसमें नंबर एक हो गया है। प्रतिवर्ष करीब 40,000 टन मेंथा का जो उत्पाद होता है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हुए हर्ष है कि उसका 80% जो भारतवर्ष में होता है वो यूपी में होता है, और इसी एरिया में केवल होता है, और उसमें करीब 5,000 करोड़ का राजस्व प्रतिवर्ष अर्जित किया जाता है, और उससे करीब 6,00,000 कृषि जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनके परिवार जो है लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा जो अगर जो सुगंध वाले पौधे देखें उसका योगदान नींबू घास, पैमरोजा, खस में आत्मनिर्भर बनाने में हमारा प्रयास है, और हमारा ये है कि हम अगले 2 साल में कम से कम 2 ऐसे तेल जो होते हैं इसेंशियल उसमें अपने को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जो दूसरे देशों से खरीदते हैं वो नहीं खरीदते हैं। उसमें CSIR ने एक जो प्रोजेक्ट चलाया है अरोमा मिशन, उसके तहत हमने पूरे भारतवर्ष में किसानों के 1400 क्लस्टर बनाए हैं, और उन क्लस्टर्स में उन जो हमारी वैरायटीज हैं उनको ग्रो करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम लोग इंडस्ट्री के साथ में जोड़ते हैं। इसके अलावा जो एक आपने आर्टिमिशिन का नाम सुना होगा, जो आर्टिमिशिया एनवा से निकलता है एक प्लांट होता है, ये आरटी मलेरिया की ये दवा होती है, उसमें जो सीमैप ने जो वैरायटी निकाली उसके कारण से जो आर्टिमिशिन का जो उत्पाद हुआ वो इतना ज़्यादा हुआ कि उससे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। सीमैप में एक हम लोगों ने पायलट प्लांट बनाया जिसको हम लोग TBIC या पायलट प्लांट बनाते हैं, तो सीमैप के अपने 25 के आसपास हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग वहाँ पर बनाते हैं, और अपने जो
स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग एक साल तक अपने उत्पाद वहीं सीमा पे बना सकते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। कई सारी वैरायटीज निकाली गई, जैसे दो वैरायटी यहाँ जो तुलसी की रखी हैं, आप लोग रामा श्यामा के बारे में तो जानते होंगे, सीमैप ने करीब 10 वैरायटी निकाली है जिसमें पान तुलसी, कपूर तुलसी है जिसमें पान और कपूर की स्मेल आती है, वो दो वैरायटी हम लोगों ने यहाँ पे रखी हैं। जहाँ तक आज का जो ये प्रोग्राम आशीर्वाद अगरबत्ती का है, सीमैप इस पर कई वर्षों से काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के बड़े मंदिर में करने का ये हमारा पहला मौका है। इसके अलावा जो भगवान में अर्जित फूलों के लिए था वो हम लोगों ने तकनीकी कई सारे मंदिरों में दी, और स्वच्छ भारत, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ने के लिए हम लोगों ने काम किया। इनमें से जो मुख्य मंदिर हैं जिनमें हम लोगों ने ये एक जो तकनीकी दी थी उसमें शिरडी साईं बाबा का मंदिर, उसमें एक भी फूल वेस्ट नहीं जाता है। एक वहाँ पे महिलाओं का ग्रुप है जो कि पूरा फूल को कलेक्ट करके अगरबत्ती बना के उसके बाद उसी मंदिर में जाता है और वो लोग उसको बेचते भी हैं। दिल्ली के जितने मंदिर हैं उसमें भी यही होता है। माँ वैष्णो देवी में हम लोगों ने MOU किया हुआ है और साथ में चंद्रिका देवी लखनऊ में भी हम लोग इसको करने जा रहे हैं। कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि WHO ने कल घोषणा की है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया वो भारतवर्ष में होगा, जो विश्व का होगा। तो मुझे इस बात को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सीमैप मेडिसिनल प्लांट पे इतना ज़्यादा काम करता रहा है और ट्रेडिशनल जो नॉलेज होता है उस पर काफ़ी सारा काम किया है। जैसे हमारा देखिए आरोग्य वाटिका का वहाँ पर एक प्रारूप हमने लगाया है जो कि एक मानव की तरह है, और हमने बताया कि किस मानव के किस भाग में कौन सा जो पेड़ है मेडिसिनल वो इम्पोर्टेंट होता है, वो हमने हमारी ये प्रारूप सीमैप में मौजूद है। अब हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं इसको, ये हमने राष्ट्रपति भवन में भी इसको लगाया हुआ है। उन्होंने पिछले साल 2 करोड़ रुपए का जो ये तेल उसमें से बेचा और उनको उस पर एक अवार्ड भी दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पे काम करके किसानों की आय को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हाथों से बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षण है, बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि आज इस पावन धरती पर, पावन धराधाम पर इस तरह की 100% शुद्ध अगरबत्ती का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान किया जाएगा बल्कि पर्यावरण को कार्बनिक पदार्थों से होने वाली दुश्वारियों से, हानियों से भी बचाने का कार्य इस गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण से आज होने जा रहा है। इसकी शुरुआत, इसकी आधारशिला हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान परम ओजस्वी, तेजस्वी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महाराज श्री के हाथों से काली क्षण हमारे लिए। और कार्यक्रम की पिछले वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, राखूपुर गांव की कोयला देवी द्वारा पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सर्वोच्च उत्पादन लेने के लिए उनको भारत सरकार के कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। और विज्ञान केंद्र में के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व ड्रग कंट्रोलर भारत सरकार और वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन के फार्मा के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर जयंत सिंह जी, निदेशक सीमैप डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सीमैप डॉक्टर रमेश कुमार श्रीवास्तव जी, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी, प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक
महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर वी के सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, किसान भाइयों बहनों, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमैप के सहयोग से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और अभिनंदन इस बात के लिए करता हूँ कि न केवल यह आस्था को सम्मान करने का, अभी तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय मनीषा एक बात को कहती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। यानी इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है, और जब कोई अयोग्य नहीं है तो कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता। दृष्टि होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम अपना दृष्टिकोण रचनात्मक बना लें तो सर्वत्र हमें अच्छाई अच्छा दिखाई देगा, और अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा तो हर जगह हमें कमी ही कमी दिखाई देगी। इसलिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए जब हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से अच्छे और सकारात्मक आते हैं। अब तक क्या होता था, मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते थे, मालाएं लेके जाते थे, 12 घंटे 14 घंटे 20 घंटे या 24 घंटे के बाद उन मालाओं को फिर से फेंक दिया जाता था, नदियों में प्रवाह कर दिया जाता था, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता था, और इसका परिणाम क्या होता था, आस्था भी आहत होती थी और कचरा भी खड़ा होता था। अब सीमैप और महावीर गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, और वह कार्यक्रम है कि जितने भी ऐसे पुष्प आएंगे जो मंदिरों में चढ़े होंगे, किसी तीर्थ स्थल में चढ़े होंगे, किसी ने अपने घर में पूजा के लिए उपयोग में लाए होंगे, शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रमों में उसका उपयोग हुआ होगा, या खेत में पुष्प की हमने खेती की और सूख रहे होंगे, हमें लगता है कि नहीं अब इसकी आवश्यकता मार्केट में नहीं, हम उसको एक कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके अब उससे धूप अगरबत्ती भी और उसके माध्यम से हम लोग इत्र बनाने का कार्य भी कर सकते हैं। यानी एक तो हर एक चीज जो वेस्ट में जा रही थी उसका उपयोग भी होगा, दूसरा आस्था का सम्मान भी होगा, तीसरा इस पर ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है, और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है।
मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेलपल्लव चलाते हैं, एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेलपल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। हम तुलसी लगाते हैं, तुलसी औषधीय गुणों से युक्त होती है लेकिन तुलसी एक समय के बाद फिर वह सूखती है तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तुलसी के गुणों से युक्त जो अगरबत्ती धूप होगी स्वाभाविक रूप से वह स्वयं भी औषधीय युक्त होगी। यानी थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज सीमैप के साथ मिलकर के महावीर गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने प्रोत्साहित किया, प्रोफेसर यूपी सिंह जी ने, पूर्व ड्रग कंट्रोलर भारत सरकार डॉक्टर जीएन सिंह जी ने, माणा प्रताप पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी ने, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को इन दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का जो प्रयास प्रारंभ किया है मुझे विश्वास है ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा और अनेक महिलाएं इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के न केवल स्वयं के परिवार के सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे तो समाज को भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए आस्था का सम्मान भी करेंगे। मैं एक बार फिर इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। हम योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं और साथ में हम केवीके वालों को, जितने साइंटिस्ट हैं उनको धन्यवाद देते हैं। उन लोगों के थ्रू हमको ये अवसर मिला है और वहाँ पे हम ट्रेनिंग लेके 26 अक्टूबर को हम ट्रेनिंग लिए हैं यहाँ पर हुआ है। तब से हम महिलाओं को ट्रेनिंग दिए, 300 महिलाओं को ट्रेनिंग दे दिए हैं और सारे लोग अपने स्वावलंबन बन गई हैं, सारे लोग काम कर रही हैं। इससे एक 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 महिलाएं कम से कम एक दिन में 4 से 5 केजी अगरबत्ती बना देती हैं और हम लोग उसी से अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, स्वावलंबन हम सारी औरतें बन चुकी हैं। जी इसमें जगत पाउडर पड़ता है और लकड़ी पाउडर पड़ता है और नेचुरल जो मंदिर का फूल वेस्ट हो जाता है वही मंदिर फूल हम सुखा करके उस फूल का पाउडर डालते हैं। इसमें आम का लकड़ी प्रयोग करते हैं। आशा यहाँ से गोरखनाथ के जो मैम हैं वहाँ से हमको ट्रेनिंग मिली है और ट्रेनिंग में हम लोग पास हो गए हैं और काम करना चाहते हैं, यही हम लोगों का हिस्सा है। और बाबा के वजह से हम लोगों को लॉकडाउन में जो है कि काम मिला है, इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन में 5,000 अगरबत्ती बना लेते हैं। जी, मेरा नाम क्षमा त्रिपाठी है। हाँ भाई, पूछे कौशल विकास की तरफ से हम लोग को जो वो संस्था द्वारा सिखाया गया है तो उसको अगरबत्ती हम लोग बना रहे हैं। इससे हमारा जो है जीवोपार्जन बहुत अच्छे से चल रहा है और इससे काफ़ी मतलब लाभ है लोगों को और भी हम लोग बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन और इससे मतलब ज़्यादा ही लाभ होने लगा है। डिटेल में लिया कैसे बनता है, कैसे क्या जानकारी? ये एक जीनत पाउडर है और लकड़ी का बुरादा है, फूल जो फूल मंदिरों में चढ़ता है उसको सुखा के हम ग्लैंड करके और इसको मिला के और लकड़ी के बुरादे और ये लकड़ी वो जो लकड़ी से मिला के हम लोग बनाते हैं।